उन तीनों में समान बल था। जो जितेंद्रिय सदा कार्य के लिए उदत संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित और महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे, उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक श्री ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तपस्या की। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फल का दाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने घोर तप किस लिए किया है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांध कर पिता महा के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए, समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है, हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी उत्तमोत्तम नगर, अनन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्यों से क्या प्रायोजन। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशयी भगवान शंकर का ध्यान कर बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमृतत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके लिए अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो वह मांग लो, क्योंकि दैत्यो, इस भूतल पर जहाँ कहीं जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साहवर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए असाध्य हो। उस प्रांग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिसमें तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, श्री ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह श्री ब्रह्मा जी से बोले, दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके, अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनको नष्ट ना कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिनिश्चित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा से मेरे लिए जिस नगर का निर्माण कराएं वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विधुंत माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये 3ों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक साथ मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावृत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये 3ों नगर परस्पर मिले और एकाकी भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय
और सबके देव हैं। लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें, किंतु भगवान सदा शंकर हम लोगों के वंदनीय पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं। अतः है हम लोगों को भस्म कैसे करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के तीन नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग लोक को चले आए। तदन अंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना प्रारंभ किया। उसमें तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमल के लिए रजतमय और विधुंत माली के लिए लोहमय, ये तीन प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुरक्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गए। इस प्रकार तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारक पुत्र के लड़के उसमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त था, हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जलराशियों के आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पगराग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान होते थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों में उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्र शाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति पारायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह से चयुत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों और नादों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिलते हुए उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष थे, जिनमें वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत गजराव से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदा अध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी अगोचर थे, उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा पारायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग, शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के, तत्व के एवं धर्म पारायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें माया द्वारा सुरक्षित हो ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुनिश्चित थे, जिसमें उनसे सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। श्री ब्रह्मा और भगवान शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मधुगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने, इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय 1, तारक पुत्रों के प्रभाव से
संतप्त हुए देवों की श्री ब्रह्मा के पास करुण पुकार, श्री ब्रह्मा का उन्हें भगवान शिव के पास भेजना, भगवान शिव की